सेठी साहब, आज मुझे लग रहा था कि आप शो के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि कल से जो है वो आप कहीं और गए हुए हैं, कहीं और छाए हुए हैं। नहीं, मैं तो लाहौर ही में था। नहीं, आप काकुल नहीं गए? काकुल मैंने क्या करने जाना था। अच्छा, मुझे लगा कि आप काकुल गए हुए, क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो वायरल हुई हुई है, और आप यकीनी तौर पे जर्नलिज्म में एक जाना माना एक लेवल रखते हैं, नाम रखते हैं, लेकिन काकुल अकेडमी में आपकी बाजगश्त हो रही है, सुनाई दे रही है। अल्लाह ही रहम करे। आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। अच्छा? हाँ जी, आप चाहते हैं तो मैं दिखा भी देती हूँ देखने वालों को भी, आपको भी। फेक वीडियो तो नहीं है? नहीं नहीं, फेक नहीं है, बड़ी ओरिजिनल आवाज है, बड़ी ओरिजिनल शक्ल है, और जो एक्ट हो रहा है वो भी बड़ा ओरिजिनल है। अच्छा जी, अब आए फिर वो देख ही लेते हैं कि वो हुआ क्या है, दिखाए जरा भाई। और शाम को भाई मुराद से हम सेठी बनाओ। नजम सेठी, वहीद मुराद और जनरल फैज एक पेज पर। सेठी साहब, ये क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गई है कि ये क्या हुआ, क्या ये हो क्या रहा है, इस वीडियो में क्या है? हाँ, वो तो जनरल फैज ही थे। बिल्कुल, और ओरिजिनल जनरल फैज थे। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो कोई फेक भी नहीं किया हुआ था। मगर वो तो बड़े टेंशन पे खड़े हैं। हाँ जी, यही तो जानना चाहिए। एक एडजुटेंट जो है उनको लेक्चर मार रहा है, उनको कह रहा है कि नाई के पास, ये वहीद मुराद बना दिया उनको, और कह रहे हैं इनको नाई के पास ले जाओ, और वहाँ से ये वहीद मुराद खटा के और इसको नजम सेठी बना दो। मतलब ये वहीद मुराद तो आपको पता है वो फिल्म हीरो थे, चॉकलेट हीरो थे, मगर उनका वो चॉकलेट हीरो का इशू नहीं था। उनके बाल बड़े आगे माथे पे गिरते थे, बड़े हीरो किस्म के बाल थे, ठीक ठाक थे। तो अपन के हाथों थोड़ा सा खाली है ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वो फैज साहब को ले जाना चाह रहे हैं, जनरल साहब को, नाई के पास, कि उनके बड़े घने बाल हैं जनरल फैज के। मतलब ही इज मस्ट बी इन हिज 50s नाउ, मिड 50s, और लगते ऐसे हैं जैसे ही इज इन हिज 30s। इतने वो हैंडसम और जवान हैं अभी भी एट दिस एज। तो यहाँ तो वो बेचारे उनको 70+ नजम सेठी विदाउट बाल, मतलब सजा दी जा रही है उनको, ये एडजुटेंट दे रहा है। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है, मैं समझ जाऊँ ये हुआ क्या है। होता ये है, ये रैग डे है किस्म का। okay. होता ये है कि जैसे ही काकुल में PMA है ना, मिलिट्री अकेडमी, जहाँ भी वहाँ, जब भी वहाँ कोई कमांडेंट नया आता है, तो एक रवाज है, रस्म है कि वो कमांडेंट जो है अपने कोर्समेट्स जो होते हैं पुराने ज़माने में जब वो इकट्ठे थे PMA में, तो उनको दावत देते हैं कि आइए आइए आके खाना पीना। उनमें कोई रिटायर्ड लोग भी होते हैं, सर्विंग भी होते हैं, कोई सीनियर होते हैं, कोई एक जूनियर होते हैं, डिपेंड करता था कैसी उनकी प्रमोशंस हुई हैं। तो आमतौर पर कमांडेंट जो है वो मेजर जनरल रैंक का होता है। और तो इसका मतलब है कि ये उसी किस्म का मौका था, कोई नया कमांडेंट आए हैं वहाँ, उन्होंने ये फंक्शन किया जहाँ अपने कोर्समेट्स जो कि अब बड़े सीनियर लोग बन चुके हैं, कोई रिटायर भी हो गए होंगे, जनरल फैज़ सीनियर हैं, उनको भी दावत दी होगी और जनरल फैज़ भी चले गए होंगे वहाँ। ज़ाहिर है ये आर्मी के अंदर इस किस्म के शुगल मेले भी होते हैं, वहाँ सारा वगैरह लड़ाई झगड़े तो नहीं होते। और तो ये वो फंक्शन है मेरा ख्याल है, और जिस पे वो एडजुटेंट जो है, इसी जब ये कैडेट्स होते हैं तो उनके ऊपर जो राज करने वाले वो कैप्टन मेजर के रैंक के होते हैं। पहले पुराने ज़माने में एडजुटेंट्स जो थे वो कैप्टन के रैंक के होते थे, फिर आगे जाके मेजर के रैंक भी हो गए। और वो इसी तरीके के साथ कैडेट्स को बुली करते हैं, धमकियां देते हैं, इधर ले जाओ, वो कर दो, ड्रिल कराओ, फलाना करो, ये करो, वो करो। तो मेरा ख्याल है कि वो जनरल फैज जो है वो अब कैडेट बन के बैठ खड़े हुए, और पीछे भी जो लोग खड़े हैं वो सारे अफसर हैं सीनियर। तो और ये एडजुटेंट आया है वो मेजर होगा, घोड़े पे आया, उसे ले जाओ इनको, इनको जो है ये वहीद मुराद बने हुए, इनको ले जाओ और जाके इसको नजम सेठी बनाओ। अब बात यह है कि ये जो मजाक किया गया है मेरी सूरत पे, ये अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं जो नाराज़ होना चाहिए या मुझे खुश होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जनरल फैज को नजम सेठी बनाना आसान काम तो नहीं है। हाँ, वैसे एक्चुअली अगर मुझे जनरल फैज बना दिया जाता तो बेहतर था। उन्होंने उनको नजम सेठी बना दिया, विच इज़ नॉट सच अ गुड आइडिया। तो मगर सूरत हाल फर्क है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड जोक एंड आई अप्रिशिएट इट। और मैं समझता हूँ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो एडजुटेंट साहब हैं, अब किसने ये स्क्रिप्टिंग की है मुझे नहीं पता, मगर आई एम फ्लैटर्ड कि काकुल में भी मेरा नाम जो है वो रोशन है इस तरीके के साथ जैसे कि यहाँ रोशनी। तो आई एम क्वाइट प्लीज्ड।
लेकिन जड़ी साहब, अगर सहाफत में कुछ ऐसा होता तो यकीनी तौर पे फिर आपको कोई उस ओहदे पे लेके जाता जिस ओहदे पे फैज साहब को कह रहे थे कि वो आमी। और मेरी अब ये ख्वाहिश है कि अगर जनरल फैज जो है वो आर्मी चीफ बनते हैं तो फिर मुझे काकुल लेके जाएंगे और वहां जाके हम इस एडजुटेंट को बुलाएंगे और कहेंगे ओए हुन दस चल सॉल उठक बैठक कर जरा, की ख्याल है? बिल्कुल ये भी होगा जेडी साहब। लेकिन अब हम खबरों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अब जनरल फैज का जिक्र हो गया, अब इमरान खान साहब का भी जिक्र कर लेते हैं। वो एक ही बात है ठीक है, लेकिन अब एक बात नहीं है क्योंकि हाँ। इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिर इलेक्शन लड़के आए हैं, ज़मीनी इंतखाब हुआ है, 6 सीटें जीते हैं, 7वें इलेक्शन लड़ रहे थे और बड़ा मारका सर किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सियासतदान ने जेडी साहब ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि 5 सीटें जीत के उस पर जीत का रिकॉर्ड कायम नहीं किया और फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा हो किसी ने, 6 सीटें अपने नाम कर ली खान साहब ने। सीटों को क्या करेंगे ये मुझे पता नहीं है, ये आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन क्या सवाल ये है कि ये रिफ्लेक्शन है आने वाले जनरल इलेक्शंस की, अवाम ने फैसला दे दिया? यार पहले भी मुझे याद है कि जब वो 15 सीटें जीते थे बाय इलेक्शन से, 15 जीते थे जी पंजाब में, हाँ पंजाब में, तो बड़ी शोर पड़ गया कि लो जी उनसे अगली बारी 2/3 मेजोरिटी आनी है। और मैंने कहा था ये तो कोई नया रिजल्ट, ये रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था, पूरी मैंने इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट दी बिल्कुल, और ये जो रिजल्ट आया ये भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये तबसरा किया है पहले भी कि यही रिजल्ट आएगा। हमारे पास आपका क्लिप पड़ा हुआ है, बिल्कुल हमने निकाल के रखा हुआ है। सिंधी साहब ने क्या तज़िया दिया था, क्या प्रेडिक्शन की थी, प्लीज प्ले कीजिएगा। जीतेगा इमरान खान, पॉपुलैरिटी है तो पॉपुलैरिटी तो एस्टैब्लिश हुई भी और हो जाएगी, मगर क्या 9 सीटें मिलेंगी? नहीं, एक ही सीट मिलेगी ना। इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है उसको और भी सपोर्ट मिलेगी। वो पहले जो बाय इलेक्शन जीते हैं उसके साथ लोग ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं, इसके बाद तो और भी लोग कहेंगे लो जी उनते अगर आज इलेक्शन होती है तो 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी। पहले ये कहते थे कि मेजोरिटी मिल जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता मेजोरिटी से अब 2/3 पे पहुंच जाएंगे इस इलेक्शन जीतने के बाद, तो खान साहब का केस तो बहुत मजबूत हो जाएगा कि अब उनको रेजिस्ट कौन करेगा। दूसरी तरफ ये है कि शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर आप लॉन्ग मार्च मत करें, इसीलिए उन्होंने मुलतवी करते जा रहे थे, लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दे रहे थे क्योंकि शायद इंतज़ार थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शन मिल जाते हैं और ये जीत जाते हैं और प्रूव हो जाता है कि जी बड़े इनको वोट मिले हैं बड़ी सपोर्ट है, तो फिर एक मौका मिल जाती है ना, जवाब मिल जाता है कि आप एक स्ट्रेंथ से एक मजबूती के बेस के ऊपर आप पार्लियामेंट वापस चले जाते हैं, वहां बैठ के आप अगली बात करते हैं। आज शाम को 2 मिनट में नाई की दुकान पे लेके जाओ, वहाँ पे फिल्म दिखाओ नाई के चल रहे, और शाम को भाई मुराद से अजम सेठी बनाओ। सेंटर गाइड का खड़ा होना ही फाउल है, साहब को ले जाओ पिंडी के दाएं से जाना है बाएं से जाना है। ये स्पीड नहीं होती है फर्स्ट टाइम की, घुटने घुटने की हाइट, घुटना छाती पे टच हो सर। वही साहब चैन में नहीं है, कमी है, आपने अपनी ड्यूटी नहीं की है साहब, आप ऐसे आपको सेड होनी चाहिए साहब, और क्या साहब आप कमी कैसी है साहब, सेड आप क्यों नहीं चाहिए साहब, आपने अपना काम नहीं ठीक किया साहब, आपसे भी साली जगह साहब की गई मुझे एक कहानी ने सुनाया साहब, अभी आप कमी से खड़े चल 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 क्लियर कीप गाइड साहब कीप गाइड कीप गाइड कमी में जगह लोग साहब बोलोगे आपने राइट टर्न कर लोग फ्रंट साहब लेडीज को भेजे हमारी और साहब को जय रिस्पेक्ट जितनी भी मिलती है छपने जिसे आवाज में शॉर्ट यू जमला साहब देखिए साहब मेरा नंबर 5754 जिसे नाम साहब